बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अयान फारूक फ्रॉम पाकिस्तान। कैसे हैं फ्रेंड्स? आज हम एक नहायत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है लाइट बल्ब। और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैंने इसको खुद पहली बार पढ़ा और एंड आई लाइक इट। तो इस बुक का जो नाम है वो है इन्वेंशंस एंड डिस्कवरी। और ये मेरी स्टैंडर्ड की भी बुक नहीं है, सेवन्थ की। ये मेरे अंकल ने मुझे गिफ्ट की थी और ये तकरीबन उन्होंने 4-5 साल पहले गिफ्ट की थी। उस टाइम मैं बहुत छोटा था, उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। ये वैसे है भी ये काफ़ी बड़ी क्लासेस की, मैट्रिक की स्टैंडर्ड तक की, और उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने इसको ऐसे, मुझे लगा आम सी बुक है कोई, तो मैंने इसको खोला। मैंने मुझे कुछ समझ नहीं आया, इंग्लिश लिखी थी उस टाइम, इंग्लिश तो उतनी समझ नहीं आ रही थी, ऊपर से इसमें इतने डिफ़िकल्ट वर्ड्स। तो मैं ना उसके अंदर ये एंड पे इस तरह से कार्टून वगैरह बना लिया करता था, ड्राइंग वगैरह कर लेता था। तो उसके बाद जब मैंने पिछले साल इसको खोल के देखा, मैंने कहा ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। इसके अंदर और भी डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आप लोगों को अक्सर वीडियोस में समझाया करूँगा। माइक्रोवेव्स हैं, ऑटोमोबाइल, वैक्सीन्स, माइक्रोस्कोप, प्रिंटिंग प्रेस, इस तरह के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग से टॉपिक हैं। मैंने फिलहाल जब इनके अंदर से ढूंढा तो मुझे यही इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कैमरा की एक इसी तरह की वीडियो बना के दूँ तो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर कहिएगा। चलिए अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लाइट बल्ब। The electricity bulb is a glass bulb fitted with a wire filament which glows when heated by electricity. Thomas Alva Edison invented the first practical electric bulb in 1979. इस पैराग्राफ, इस लाइन्स में, इन लाइन्स में हमें ये बताते हैं कि ये जो लाइट बल्ब होता है ये बना होता है कांच से, इसके बाहर जो होता है ग्लास होता है, और इसके अंदर एक वायर होती है और एक फिलामेंट विच ग्लोज हीट, जो हीट प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिसिटी से। और थॉमस अल्वा एडिसन जो बहुत ही जीनियस और मशहूर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बल्ब डिस्कवर किया था, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था 1879 में। द लाइट बल्ब हैज़ अ सिंपल स्ट्रक्चर, इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास बल्ब विथ अ मेटल फिलामेंट। यानी जो लाइट बल्ब है वो बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर एक ग्लास बल्ब, वो ग्लास का बल्ब होता है, अंदर उसकी वायर होती है और एक छोटा सा फिलामेंट। और अभी हम लोग इन थॉमस एडिसन के बारे में बात करते हैं। मैनी साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर्स वर्क टू डिवेलप द लाइट बल्ब। यानी बहुत से साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने कोशिश की बल्ब बनाने की, और उनमें से एक थे विलियम रॉबर्ट गोबल जो जर्मन साइंटिस्ट थे, और उन्होंने पहला प्रैक्टिकल बल्ब बनाया 1854 में, लेकिन वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, उसको उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई। उसके बाद अलेक्जेंडर निकोलेविच लॉर्डजिन रशियन साइंटिस्ट था, उसने भी कोशिश की थी बनाने की और उसे सही बन गया था, और वो पहला पर्सन माना जाता है जिसने एक बल्ब बनाया। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग इन्वेंशन के ऊपर, यानी इजादात। द फर्स्ट प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक लैम्प वॉज इन्वेंटेड बाई अमेरिकन इन्वेंटर थॉमस अल्वा एडिसन इन 1877। यानी थॉमस अल्वा एडिसन ने इसको ईजाद किया था 1879 में। It had all the features of the modern light bulb. उसके पास सारे फीचर्स थे मॉडर्न लाइट बल्ब के। एंड द फर्स्ट सक्सेसफुल फिलामेंट थॉमस अल्वा एडिसन ने वो बनाया था जो सिर्फ 40 घंटे जला रह सकता था, यानी ऑन रह सकता था। तो उसके बाद इसने बहुत ज़्यादा कोशिशें की और फाइनली ही मेड अ बल्ब दैट कुड गिव अ ग्लो अबाउट 1500 hours। यानी उसने वो बल्ब बना दिया जो 1500 घंटे चल सकता था, और वो बल्ब उसने बनाया था 1879 में, जो हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा कि थॉमस एडिसन ने बल्ब इन्वेंट किया। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं वॉरन डी लियारोई। इन 1820 वॉरन डी लियारोई कैसे नाम डिज़ाइंड अ लैम्प यूजिंग प्लेटिनम। उसने एक लैम्प बनाया था प्लेटिनम को यूज़ करके। ही यूज द प्लेटिनम फिलामेंट इन एविक्यूटेड ट्यूब। उसने एक एविक्यूटेड ट्यूब में प्लेटिनम फिलामेंट को यूज़ किया था और उसका लैम्प काम भी किया था, बट इट कॉस्ट इफेक्टिव। यानी वो बहुत महंगा था, उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते थे, एंड हेंस वॉज नॉट कमर्शली सक्सेसफुल। यानी फिर ये वो उतना ज़्यादा कामयाब नहीं हो सका क्योंकि उसका जो बल्ब था वो बन नहीं सक रहा था। यानी उसके लिए बन तो जाता था लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता था। यानी अगर वो इन्वेंट हो भी जाता, मार्केट्स में आ भी जाता, तो आम लोग जो होते हैं वो लोग उसको ख़रीद ना पाते। तो मैं अब आपको एक ऑनलाइन प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। देखिए, आपके लिए मैंने अपने ही घर के बल्ब निकाल लिए।
ये मेरे पास एक बल्ब है और ये इसके अंदर क्या कहेंगे इसको, जो भी है, और ये इसका ये, मैंने मेरे पास दो बल्ब्स हैं। ये छोटा वाला बल्ब है 30 या 40 रुपीज़ का मिल जाता है किसी भी मार्केट से, और ये एक बड़ा बल्ब है जो कमरे के अंदर लगाया जाता है। पहले हम एक छोटे बल्ब को ट्राई करेंगे, बल्कि पहले बड़े बल्ब को ट्राई करते हैं। और इसको मैंने डाला, देख सकते हैं कितना ग्लो कर रहा है ये, डाल अभी देख सकते हैं कितना ग्लो कर रहा है। ओसाका कंपनी का है ये, और इसी से ही हमें रोशनी मिली, और ये इजाद किया था थॉमस एल्वा एडिसन ने 1879 में। तो अब हम लोग दूसरे बल्ब को भी चेक करते हैं, निकल गया ये छोटा वाला बल्ब। ये वैसे छोटा वाला बल्ब भी मैंने अपने लिए ही लाया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए। आप इसको भी देख सकते हैं, ये भी पूरा ग्लास का बना है, और आप फिलामेंट देख सकते हैं। इसमें तो नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि इसका जो ये बाइक का ग्लास है थोड़ा वाइट वाइट है, इसका बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और कांच का है। तो ये देख सकते हैं ये फिलामेंट है जिसके अंदर लाइट ग्लो कर रही है, और उसके नीचे ही वायर्स हैं, ये नीचे से वायर्स हैं। और इससे जो थोड़ा सा गंदा गंदा है इसको अवॉइड कीजिएगा, कमरे में लगा था। फ्रेंड्स आई होप यू विल एंजॉय दिस टॉपिक, एंड अब मैं आपको लेकर चलता हूँ रियान की तरफ। रियान आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी कर रहा है, यानी ये दोनों हाथों से लिखने की कोशिश कर रहा है। इसकी कोशिश तो मैंने भी की थी लेकिन मुझसे नहीं हो रहा था। राइट हैंड से बिल्कुल ठीक लिखा जाता लेकिन लेफ्ट हैंड की मुझे आदत नहीं, ऊपर से क्लास में इतना सारा लिख लिख का आदत ही हो गई है, ये वाला हाथ जिसका बिल्कुल बेकार रहता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप देख सकते हैं, और आप फ़र्क देख सकते हैं, ये राइट हैंड की राइटिंग है और ये लेफ्ट हैंड की राइटिंग है। दो दो हाथ से एक साथ लिखा है इसने, एंड वेरी गुड वेरी गुड। सो गाइज इफ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह।